औषधि विभाग को एक बड़ी कामयाबी हासिल लगी है, जहां पिरभौर थाना क्षेत्र के गोविंद मित्रा रोड स्थित बेनी माधव लेन में भारी मात्रा में दवा को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो दवा है हृदय रोग संबंधित और जिसका मानसिक संतुलन खो गया उससे संबंधित ये दवा थी, जिसे ऐसा ही रखा गया था। यानी कहा जाए कि ये सब दवा जो है फ्रिज में रखा जाना था, लेकिन बिना फ्रिज के ऐसे ही एक रूम में रखा गया था, जिसको लेकर औषधि विभाग ने छापेमारी करते हुए दो लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि इस पूरे दवा की अगर बात करें तो ये लगभग 10 लाख की दवा है। वहीं जब छापेमारी करने गई औषधि विभाग की टीम, जब रूम नंबर 304 को खोल कर देखती है तो वो भी दंग हो जाती है, क्योंकि वहाँ जो दवा के बदले भारी मात्रा में शराब रखी गई थी, जिसको लेकर पिरभौर थाना को सूचित किया गया और वहीं पिरभौर थाना के द्वारा शराब को जब्त कर लिया जाता है। और इसी मामले के लेकर ड्रग विभाग के अधिकारी क्या कुछ करें जरा पहले ये सुनिए। सर, क्या क्या दवाइयाँ में बरामद हुई है, कौन कौन सी, किस तरह की दवाइयाँ? ये राजकुमार पैलेस अवस्थित सेकंड फ्लोर पे भारी मात्रा में नारकोटिक्स और साइकोट्रॉपिक दवाएं बरामद हुई है, जिसका मिसयूज होने की संभावना सबसे अधिक है। जिसमें पेंटाजोसिन है, नाइट्राजिपाम है, डाइजिपाम है, इसके बाद इसमें कोडिन फॉस्फेट सिरप है, इस तरह की नारकोटिक्स दवाएं अवैध रूप से के मेडिको से संबंधित ये गोडाउन है, जिसका कोई अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं है। सर, ये सब दवाएं जो है किस चीज़ में उपयोग किया जाता है? ये नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक दवाएं हैं, जिसको दर्द निवारक और साइकोट्रॉपिक, जिसको समस्याएं रहती है ब्रेन संबंधी या मानसिक रोगी, उनको दिया जाता है। सर, इसमें किसी की मतलब हिरासत में भी लिया गया है? अभी सर्च चल रहा है और उसके बाद अभी सर्च पूरा। चार गोडाउन है जिसका कोई अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं है, और इस गोडाउन का जो मकान मालकिनी है वो बता रहे हैं कि के मेडिको से इसका एग्रीमेंट हुआ। लगभग कितने की दवाइयां होंगी? 10 लाख से ऊपर की दवाएं। सर, अपना परिचय बता दीजिए। ड्रग इंस्पेक्टर जसवंत झा। तो आपने सुना कि ये चार जगह जो है छापेमारी चल रही थी और बिना लाइसेंस के गोडाउन लिया गया था और उसी में ये सब दवा रखे गए थे, और वहीं शराब के लेकर पटना के टाउन डीएसपी अशोक कुमार सिंह क्या कर रहे हैं जरा पहले ये सुनिए। मामला सही है। आज दिनांक 6/4/24 को समय लगभग 6 बजे संध्या गोविंद मित्रा रोड स्थित रविंदर सिंह के मकान में भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ है। 16 कार्टून शराब, अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है। रॉयल स्टैग का बोतल है अंग्रेजी शराब का, 138 लीटर .75 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है। इसमें गिरफ्तारी भी है सर किसी का? ना, इसमें गिरफ्तारी तो नहीं की गई है, चूँकि जिसका शराब था वहाँ पर नहीं था। हम लोग अनुसंधान और जाँच क्रम में शराब विक्रेता या शराब रखने वाला या वहाँ लाने वाला हर हाल में हम लोग गिरफ्तार करेंगे, पकड़ेंगे, अनुसंधान क्रम में ये बात आएगी और उसको हम गिरफ्तार करेंगे। सर, जिसके मकान में शराब बरामद हुई उनके ऊपर क्या कार्रवाई? हम लोग जांच कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं कि मकान मालिक की इसमें क्या भूमिका है और उस मकान में उस रूम तक किसने पहुँचाया है। मुख्य भूमिका तो उसी की इसमें बनती है जिसने उस रूम तक पहुँचाया है और जो लाया है या जो शराब का व्यवसाय कर रहा है। मकान मालिक की इसमें सहभागिता है कि नहीं, यह जांच का विषय है और अनुसंधान के पश्चात ही स्पष्ट होगा। लगभग कितने रुपए की शराब होगी सर? लगभग मैं समझता हूँ कि 50,000 से ऊपर की शराब आई है। सर, एक चीज़ माना जाए कि जिस प्रकार से शराब तस्कर जो है वो नायाब तरीका अपना रहे हैं, GM रोड दवा की सबसे बड़ी मंडी है और... हाँ, ये बात आपकी सही है कि दवा की आड़ में यह आज का जो शराब बरामद हुआ है यह दवा के आड़ में ही चल रहा था। दवा के आड़ में ही, दवा के व्यवसाय करने वालों के द्वारा ही यह किया गया है, इतना तो बात स्पष्ट है। क्योंकि अब GM रोड आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि दवा की मंडी है, बिहार की सबसे बड़ी मंडी है, और दवा के व्यवसाय के क्रम में ही, उसके आड़ में ही यह व्यवसाय, शराब का भी व्यवसाय किया जा रहा है, जिसका हम लोग अनुसंधान में हर हाल में हम लोग जो इसका व्यवसाय कर रहा था उसको पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे।
तो आपने सुना अशोक कुमार सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो दवा है करीब 50,000 से ऊपर की दवा है और करीब 16 पेटी जो है शराब बरामद की गई है। हालांकि जो शराब माफिया है उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, उसके लेकर छापेमारी की जा रही है। विक्रांत कुमार, न्यूज़ PR पटना।